महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नीरज विनोद बुराणी स्पेसक्राफ्ट इंटीरियर्स, योर स्पेस अवर क्राफ्ट. एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल टीम, नो हिडन चार्जेस, लग्जरियस डिजाइंस. स्पेसक्राफ्ट इंटीरियर्स, योर स्पेस अवर क्राफ्ट. उल्हासनगर कॅम्प 2 मधील अमन टॉकीज समोरील दुकानदार हे आगळ्या वेगळ्या पाणी संकटामुळे कंटाळले आहेत. दुकानाच्या पाण्याची जोडणी ही 705 भूखंडाच्या जवळील नाल्याला लागून आहे. दररोज या दुकानदारांची पाणी जोडणी अज्ञात व्यक्ती कापते आणि त्यानंतर ती पूर्ववत करण्यासाठी प्लंबर 1200 रुपये घेतो. याबाबत अधिक जाणून घेऊया दुकानदाराकडून. लाईन लिया हुआ है, उसमें लाईन समझो 15 दिन एक महीने में कट हो जाती है. पीछे पता नहीं कौन काटता है, क्या है, फिर हम ढूंढते रहते हैं किसने काटा है, क्या किया है, वो प्रॉब्लम है. आपका दुकान कहाँ बोल रहा हूँ, कितने दिनों से दिक्कत है ये? तो एक साल से कम प्रॉब्लम है. कितने दुकानदारों के साथ ये सब लगभग पूरा पट्टा सामने वाला लाइन, जिसने जिसने लाइन लिया है उन सबको प्रॉब्लम है. हेलो, ये अमन टाकिस के एड़ा में पानी की लेन ही नहीं कोई. विष्णु दर्शन से लेके सोनेसर तक एक लेन है ही नहीं पानी का. सामने अपोजिट बिल्डिंग और जितने भी दुकानदार की लेन ही नहीं. लोगों जो भी एक लेन नहीं थी, 4 फुट 4 इंच का दिया था वो खलास हो गया. फिर दूसरा 4 इंच गया वो खलास हो गया. सब एक लेन में सब बिल्डिंग वाले लेते जा रहे. अपने को पानी नहीं मिलता है. आज नहीं, कम से कम मेरे 30 साल से एरिया में लेन ही नहीं है. 5 साल 10 साल 30 साल से एरिया में लेन ही नहीं है. एक बार लेन आती है, एक साल चलती है गुम हो जाती है. 3-4 इंच का लेन लगा 30 साल में, अभी है ही नहीं. लेन ही नहीं पानी का. हमको श्याम सुंदर की इधर से लेन लिया है, कब उसमें बहुत खर्चा भी आया अपना. वहाँ से पानी लेते हैं, वहाँ से हफ्ते में 1-2 बार टूट जाती है. इतना खर्चा, जितना कमाते नहीं उतना खर्चा आता है लेन में. ये एरिया में लेन है ही नहीं पानी की. इतना प्रॉब्लम है कि पूछो ही मत. दुकानदार भाड़े पे दुकान लेके भाग जाता है पानी के चक्कर में. भाड़े पे कोई दुकान भी नहीं आता है. थैंक यू. काट रहा है और आपका क्या संशय? मेरा नाम दीपक शर्मा है. मेरा सैलून है एम स्टूडियो सैलून, अमन टाकिस के अपोजिट में. हर 15 दिन में 10 दिन में लाइन कट हो जाता है. 3 महीने से ये परेशानी लगभग लगातार चल रहा है. और प्लम्बर जब भी आता है तो 1200-1500 रुपये लेके जाता है. फिर 2 दिन पानी आता वापस कट हो जाता है. फ्राइडे को पानी नहीं आता है. फिर थर्सडे सैटरडे 3-4 दिन का गैप हो जाता है. हम लोग के पास पानी ख़त्म हो जाता है. हमको टैंकर मंगाना पड़ता है या पानी का केन भर के लाना पड़ता है. करीब 3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है. इसके पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना अभी हुआ है. ये जब आपको प्रॉब्लम होता है तो आप किसको बुलाते हैं और वो कितना पैसा लेता है? हम प्लम्बर को बुलाते हैं. प्लम्बर एक बार का विजिट का वो सिर्फ रिवर्स मार के चेक करता है, उसका 1200 चार्ज लेता है और ज्वाइंट करने का अलग से पैसा लेता है. फिर प्लम्बर आता है? प्लम्बर मेरे पास इब्राहिम आता है. तो आपने इसकी महानगर पालिका में कुछ शिकायत नहीं? कोई कंप्लेंट नहीं किया है. तो आपको इतना 3 महीने से परेशान महानगर पालिका में बताया नहीं कुछ? नहीं, महानगर पालिका में बताया नहीं. एक बार बताया भी था तो उन्होंने बोला था लाइन चौकअप है, इसके वजह से तकलीफ है, पानी नहीं आ रहा है. तो उसके बाद में सही हुआ तो वापस कट होना चालू हो गया. जबकि हर महीने का हमारा बिल आता है, हर 3 महीने में हम बिल भर के आते हैं. हमारे पास पक्का रिसिप्ट है भरा हुआ पानी का बिल का. आपका शॉप कहाँ पे है और क्या दिक्कत हो रही है 2-3 महीने से? मेरा शॉप है साई बाबा सोसाइटी के सामने, बाबा स्नेक्स कॉर्नर है. मैं उसका मालिक हूँ. लेकिन 5-6 महीने से पानी का बहुत प्रॉब्लम है. वो प्लम्बर आके बुलाते फिर भी वो लोग चक्कर के जाते. 1500 लेते उसका चार्ज 2 जन का. फिर काटने का जोड़ने का अलग रहते उसका. बोलते हैं पाइप मिल रहा नहीं है, फिर पाइप लेके आके दो. वही सब प्रॉब्लम रहते. दिक्कत क्या है? पाइप काटता कौन है? वो मालूम नहीं. बोलते काटती है या कौन काटता है वो मालूम नहीं. बोलते पाइप मिला नहीं है. फिर भी मैं 35,000 का पाइप डाला था, फिर वापस काट के गए. फिर 5,000 दिया पाइप लाने के लिए वापस. आपके दुकान के सामने लाइन नहीं है? नहीं है, सामने बिल्कुल लाइन नहीं. लाइन कहाँ से लेना? वो पीछे से लिए, नाले की वजह से. पानी का बहुत प्रॉब्लम है. रोज 10 कैन पानी का मंगाना पड़ता है. मतलब टोटल कितने दुकानों का पाइप काटा जाता है? इधर कम से कम 15 दुकान है. हाँ 15-20 हाँ सामने हाँ 15 दुकान है. पाइप काटा जाता है. पानी का बहुत तकलीफ चल रहा है इधर. दरवेळी हा प्लम्बर जोडणी जोडायला येतो आणि 1200 पेक्षा जास्त रक्कम घेतो. त्यामुळे समस्या सोडवण्यासाठी येणारा हा प्लम्बर स्वतः समस्या निर्माण तर करत नाही ना, असा प्रश्न या दुकानदाराकडून पडला आहे. आकाश साहनी, स्वानंद मीडिया, उल्हास. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.